हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में बेटो अपन ने ग्राफ थ्योरी की बात की थी और लास्ट में एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था कि आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो चलिए अपन वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आज के लेक्चर में ग्राफ थ्योरी को खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन से, यानी रिलेटिव टर्म से अपन कैसे 1D टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रक्षेप गति पे अपन मूव करेंगे, ठीक है बेटू। चलो तो अपन लेक्चर नंबर 11 में जो अपने लास्ट एग्जांपल दिया था, पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने बच्चों आपको कि सतह से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को अपन फेंक रहे ऊपर, तो आपको इसका VT, AT, XT तीनों ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो आपको तीनों ग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एनालिसिस करोगे 1D मोशन से। तो 1D मोशन से आप इसको कैसे करोगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले जब आपको यू वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, तो देखो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब आप किसी वस्तु को सतह से ऊपर फेंक रहे हो यू स्पीड से, ठीक है, तो वो वस्तु ऊपर जाके फिर वापिस से कहां आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो यहां पे जहां से यू से फेंका उसी पॉइंट पे वापिस से यू से नीचे आती है, दिशा चेंज होगी, ठीक है। ऐसा कब होता है ये, ऐसा ऐसी जब भी आपको सिचुएशन मिल जाए ना, देखो बच्चों बेटू देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी आपको कोई वस्तु ऊपर यू वेग से जाती हुई दिखे और वापिस से उसी स्थान पे यू वेग से नीचे आती दिखे, तो इसका मतलब आप समझ जाओ इस वस्तु का ए कांस्टेंट है, इस वस्तु का ए कहां है, कांस्टेंट है और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन का है सेम है, ठीक है। तो ए की जगह दिशा लग रही है और कांस्टेंट बन रहा है, तो आपको ये समझना है, ठीक है। चलो उसके मतलब इस वाले केस में अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस वस्तु को ऊपर से जाके वापस से यहीं पे आने में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर 2u/g टोटल समय लगता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब टाइम निकालना है टी बराबर 2u/g, 2u अपन को दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 20 और जी मैंने आपको बताया 10 मानना है आपको बच्चों, कितना मानना है बेटू 10, तो काटेंगे 0 से 0 और 2 से 4 तो कितना है 4 सेकंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। और मैंने दिया कितना है 8 सेकंड, यानी जब ये वस्तु ऊपर से नीचे आ गई 4 सेकंड में यहाँ आ गई, उसके बाद बाकी 4 सेकंड में क्या करेगा, तो बाकी 4 सेकंड वस्तु यहाँ पे रेस्ट हो जाएगी, बस मैंने ये माना, ठीक है, आपको ये मानना है। ज्यादा मैंने इसमें काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए ऐसा कुछ मत करना कि बाकी के 4 सेकंड में वापिस से उड़का दो उसको, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तो वो प्रत्यास्थ जब अपन टक्कर पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कब वो वापिस से बॉल उड़केगी या नहीं उड़केगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो चलो तो 4 सेकंड ये आ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टोटल, यानी ये वस्तु ऊपर से गई नीचे वापिस आने में कितना लगाया 4 सेकंड का समय। अब मुझे निकालना है दूसरी स्टेप क्या, कि हाइट कितनी होगी इस वाले केस में, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस वाले केस में, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, h बराबर u²/2g, ये होता है। अब यहाँ पे g एक्सेलरेशन जो भी आपको लेना है वो लेना है, g इफेक्टिव भी हो सकता है किस कुछ केसों में, ठीक है बच्चों। तो u²/2g कितनी है 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 2g की वैल्यू कितनी है 10 और काटेंगे कितना जाएगा बच्चों ये 2 2 2 तो 20 मीटर, तो 25 मीटर क्या हो गया इसकी हाइट हो गई, यानी ये बॉल जो जाएगी यहाँ पे जहां पे इसका जीरो होगा तो वो कितनी हाइट जाएगी है 25 मीटर। इतनी बात समझ आ गई बच्चों आपको, कोई दिक्कत है क्या, चलो। अच्छा बच्चों ये आपको, ये भी मैंने आपको सिखाया है कि 2u/g टोटल टाइम है 4 सेकंड, तो उसका आधा सेकंड में तो क्या होगा, तो ये वस्तु 2 सेकंड में, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो उस आधे सेकंड में तो ये वस्तु कहां पहुंचेगी 25 मीटर की दूरी पे पहुंचेगी ऊपर, फिर बाकी के आधे सेकंड में वो दूरी वापस से नीचे आएगी, समझ आए बच्चों, चलो। और ऐसे यू ऐसे यहां से गया यहीं आया तो एक ऐसा है इसमें कांस्टेंट है, तो चलो अब मुझे बनाना है इसका 80 ग्राफ, बनाओ पहले, सबसे पहले क्या बना लो 80 ग्राफ, कोई दिक्कत है क्या,
एटी के बराबर आने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, क्यों? क्योंकि एक ऐसा हो गया इसमें कॉन्स्टेंट हो गया, केवल एक ही नॉलेज से मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है बेटू। तो तीन, तो बोलो एक इतना है इसमें, नीचे की तरफ है जहां से बैठते हैं उसमें अपन मूल बिंदु कंसिडर करते हैं, ऊपर की राशि को प्लस लेंगे और नीचे वाली भौतिक राशि को नेगेटिव लेंगे, ठीक है बेटू। तो जब ये नेगेटिव नीचे आएगा तो जी कहा लग रहा है इसमें नीचे, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास माइनस के लिए, तो ये जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया इसमें कॉन्स्टेंट लगेगा, ठीक है। दिशा एक ही रहेगी 4 सेकंड तक, तो एक ही रहेगी 4 सेकंड के बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने तो कहानी कहां तक मतलब है 4 सेकंड तक, ठीक है। तो ये 4 सेकंड तक तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा, ये बात समझ लो, क्योंकि टाइम ऑफ वेव मैंने बताया जहां से वस्तु फेंकी जाती है यू वेव से और वापस से आते समय भी उसी जगह यू वेव होता है, तो आपको मानना है एक कांस्टेंट डायरेक्शन सेम होती है बस, ठीक है। अगले सेकंड की जब अपन चेक करेंगे अगले सेकंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तभी तक अपन 4 सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या? ये डॉट लाइन है, ठीक है चलो। उसके बाद मुझे बनाना है क्या, बीटी ग्राफ। क्या बनाना है मुझे? बीटी ग्राफ। अब देखो बीटी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, टी और वी, ठीक है, वाई में तो वी और एक्स में टी। अब देखो बेटू शुरू में जो वेग है टी बराबर जीरो पे कितना है 20, तो टी बराबर जीरो पे यहां पे वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये होगा भाई 20 मीटर पर सेकंड टी बराबर जीरो पे, ठीक है। उसके बाद देखो जो 4 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, आधा सेकंड मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहां पे आ गए तो वस्तु यहां पे आके रुक गई, पलटी आ गई तो वेग कितना जाएगा जीरो, इसका मतलब टी बराबर 2 सेकंड पे, टी बराबर 2 सेकंड पे वस्तु का वेग कितना हो गया जीरो, तो जीरो यहां, ये वी लाइन वाई वाली लाइन है ना, ये डिसाइड करेगी वी का मान, तो जीरो कहां पे ये इससे कोरिस्पोंड होगी, समझ आया बेटू। और इसको मिलाना कैसे, सीधा स्ट्रेट लाइन से, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा है कॉन्स्टेंट, जब आपके पास एक कॉन्स्टेंट होता है, जब बेटू आपके पास एक कॉन्स्टेंट होता है तो ये डेफिनेटली हो गया कि वी में जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और ए में जो पाथ, एक्स में जो पाथ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, ठीक है, ऐसे अपन को मिलाना है, समझ आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो उसके बाद अगले 2 सेकंड बाद टी बराबर 2 सेकंड में, टी बराबर यानी 4 सेकंड, अगले 2 सेकंड टोटल तो 4 सेकंड होगा अगले 2 सेकंड में, तो अगले 2 सेकंड में बोलो वस्तु कहां गई, नीचे आ गई जीरो से स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड के बाद मतलब 4 सेकंड में वेग उतना ही हो गया जितना पहले था, लेकिन अब दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी ये जो 20 था इतना वो 20 अब इतना होगा यहाँ और ये 4 सेकंड, तो ये सीधा ऐसे नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा मिलाना है क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो वीटी की जो ढाल होगी, वीटी की ढाल, वो वीटी की ढाल क्या देती है, वीटी की ढाल अपन को एक्सेलरेशन देती है ना, वीटी की ढाल आपको क्या देता है एक्सेलरेशन, तो ये ढाल इसकी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ढाल कांस्टेंट है, तो ये तो थोड़ा सा अपन ने, तो इसकी ढाल जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी, समझ में आया बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया अपने पास बीटी ग्राफ। अब अपन को बनाना है क्या, एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ कह रहा हूं ये टी और ये एक्स, एसटी ग्राफ बनाना है, बोलो टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे विस्थापन कितना है जीरो, यानी वस्तु यहीं पे ही है, अभी यहीं पे रुकी हुई है, फिर टी बराबर अगले 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड पे वस्तु बोलो कहां पहुंच गई 25 मीटर पे, वस्तु कहां पहुंच गई 25 मीटर पे, तो 25 मीटर यहां गई प्लस के धनात्मक, ऊपर आई ना तो ऊपर वाली राशि को प्लस माना है, तो ये 25 मीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों वस्तु का जीरो से लेकर 2 सेकंड पे वस्तु विस्थापन बढ़ा है और वेग क्या हो रहा है घट रहा है, समझ में, तो वेग घट रहा है, तो इसका मतलब देखो आप ये बात समझना कि जब टी बराबर जीरो से टी बराबर 2 सेकंड में वस्तु का वेग घट रहा है, वेग क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है, 20 से जीरो वेग घट रहा है, तो वेग घट रहा है इसका मतलब एसटी की ढाल, एसटी की ढाल, एसटी की ढाल ही क्या होती है वेग, तो एसटी की ढाल क्या हो रही है घट रही है, नहीं समझ में आया, वापिस समझो, देखो मेरे लालो मेरे बच्चों वापिस सुनो, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि
जीरो से लेके 2 सेकंड पे वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। अच्छा तो एच टी ग्राफ की ढाल वही वेग होता है, तो एच टी ग्राफ की ढाल क्या होगी, घट रही है, वेग घट रहा है कब से, जीरो से लेके 2 सेकंड तक। चलो अब जीरो से लेके 2 सेकंड तक अपने पास ढाल घट रही है, घट रही है, तो जब ढाल ढाल घट रही है तो उसको अपन कैसे बनाना है, ऐसे, ये बात समझ में आई, ये पानी डूबता हुआ बन रहा है, समझ आया, तो इसमें ढाल घट रही है ना, चौक लगा के देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ढाल बिल्कुल फिसल पट्टी बिल्कुल खड़ी हो गई, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो फिसल पट्टी बिल्कुल डाउन हो गई, ढाल है ही नहीं इसके अंदर, इसमें ढाल है चौक में नहीं ना, यहाँ पे फिर पानी पड़ता तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन हल्की सी ढाल दे दो तो फिर वो पानी डूब जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो ये हो गया 20 मीटर। फिर उसके बाद अगले 4 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, यहां से अगले 2 सेकंड में बोलो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब वेग बढ़ने लग गया, तो वेग बढ़ेगा तो अगले 2 सेकंड में ढाल क्या होगी उसकी, बढ़ेगी, लेकिन कैसे, ऋणात्मक, ये कैसा है, नेगेटिव, ऋणात्मक, यहाँ पे नेगेटिव ना, वेग नेगेटिवली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अपन जब वेग नेगेटिवली बढ़ रहा है तो ढाल भी क्या होगी देखो बच्चों, बढ़ेगी नेगेटिव, तो ऐसे, ये समझ में आया बच्चों। अब देखो यहाँ पे आप इधर ढाल ये भी ढाल बढ़ रही है, लेकिन ये नेगेटिव ढाल हो गई। अब आप कहीं पे भी देखो स्लोप बना लो तो ये अधिक कोण आएगा, थीटा अधिक कोण, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। फिर उसके बाद अपन ने 8 सेकंड की बात की थी, लेकिन 8 सेकंड के बाद अपन ने रोक दिया इसको, तो यहाँ तक 8 सेकंड कर लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन देखो अपने पास, पहला क्वेश्चन समझ में आया, चलो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, चलो अब अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो देखो, तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन मैंने आपको बोला कि आपके पास सतह से 40 मीटर की हाइट है, ये 40 मीटर की मीनार है, 40 मीटर की एक मीनार है, ठीक है, इस 40 मीटर की मीनार से एक पार्टिकल को कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक गया है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक गया है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एच टी ग्राफ बनाओ, वी टी ग्राफ बनाओ और ए टी ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये तीनों ग्राफ आपको बनाने हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। तो अब देखो बच्चों, जब जैसे मुझे ये बनाना है, पहली चीज तो आपको देखना है कि ए क्या है, ए कांस्टेंट है, देखो आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं दिख रहा, जी, तो जी कांस्टेंट है, और किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जहां से आप प्रोजेक्ट करते हो पार्टिकल को, जहां से आप प्रैक्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, वो आप क्या मानोगे, मूल बिंदु, उसके ऊपर आने वाली राशि को प्लस मानोगे, उसके नीचे वाले आने वाली भौतिक राशि को आप नेगेटिव मानोगे, तो जी नीचे लग रहा है नेगेटिव दिशा में। तो एक बात तो मेरे शरीर बच्चे जोर से बोलेंगे जय माता दी, हाँ, तो बच्चों देखो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ये ए है, ये टी है, और सीधा सीधा बना दोगे ये जी, कितना आ गया, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहां तक आपको बात करनी है, कितने समय तक बात करनी है, 4 सेकंड ले लो, चलो 4 सेकंड तक बात कर लो, तो ये 4 सेकंड हो गया, कोई दिक्कत है आपको, चलो ठीक है। उस फिर आपको क्या करना है बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये हो गया पहला, फिर पहले स्टेप आपको क्या करना है कि जहां से आप वस्तु को फेंक रहे हो यू स्पीड से, जी आपके पास कांस्टेंट हो गया, तो वापिस से जब ये वस्तु यहीं आएगी यहां पे आएगी, जब वस्तु ये यहां पे आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी यू, ठीक है। तो अब ये वाला मेरे को टाइम निकालना है, ये वाला टाइम निकालो, तो बोलो बेटू ये वाला टाइम निकालो, तो टी बराबर 2u/g हो जाएगा, ठीक है, 2u/g, 2u की वैल्यू कितनी है 10, और जी की वैल्यू कितनी है 10, 10 से 10 का 2 सेकंड। इसका मतलब अब आप समझ जाओ क्या, कि ये जो वस्तु है 40 मीटर से ऊपर से ऊपर फेंकी, ये तो हो गई भाई 40 मीटर की मीनार, ये तो हो गई 40 मीटर की मीनार। अब इस वस्तु को जो मैं यहां से फेंक रहा हूं, ठीक है, ये वस्तु को फेंका, तो ये वस्तु ऊपर जा रही है और फिर वापिस घूम के नीचे आएगी, तो यहां तक आने में कितना समय लगाया इसने, 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड लगाया, तो अब ये यहां कितना पहुंचेगी, ऊपर तक कितने पहुंचेगी, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो यहां ऊपर पहुंच गई, वेलोसिटी 0 हो गई, ये बात समझ आ गई, फिर पलटी खाई, ठीक है, 10 से गई तो यहाँ वेलोसिटी 10 हो गई, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसकी हाइट निकालनी है मुझे,
तो एच बराबर कितना रहेगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू कितना है 10 का स्क्वायर 100, 2, जी कितना है 10, 20 1500 यानी 5 मीटर। तो कितना ऊपर जाएगा ये, तो बेटो ये कितना ऊपर जाएगा, ये यहाँ से 5 मीटर दिया है। अब आप ऐसे में समझना गुरु जी, ये तो 40 मीटर बहुत आपने छोटा बनाया है, 5 मीटर ऐसा कुछ नहीं है, आप आपको समझना है 40 मीटर बड़ा करना उसको क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, जब आ रहा हो तभी आना, कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको लग रहा है गुरुजी तेज कर रहे हो तो आप वीडियो को स्लो कर देना, ठीक है ओके। अब देखो 5 मीटर हाँ सब हो गया यहाँ पे, लेकिन ये पार्टिकल आप तो ये बताओ कि ये रुकेगा क्या, नहीं ये तो नीचे भी तो आएगा यहाँ, अरे हाँ यहाँ आएगा ना, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये तो मुझे मालूम चल गया, ये दूरी कितनी है 40 मीटर, ओ हाँ, तो ये वाला वेग निकालना, यहाँ पे वेग मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोलो अब आप कैसे निकालोगे ये वाला वेग, तो आप सूत्र लगाओगे v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। अब इसको चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है, तो वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 बराबर 2, a की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस 10, x की वैल्यू कितनी जाएगी नीचे ना, अब देखो u पहले से नीचे था तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, x कितना आएगा माइनस 41, तो v स्क्वायर माइनस के 100 बराबर माइनस प्लस ये 400 और ये 800, तो ये 800 जाएगा, तो v कितना जाएगा 900, तो 30, तो वेलोसिटी कितनी जाएगी यहाँ पे 30, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे टाइम भी निकालना है कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो जब टाइम निकालना है तो बोलो v बराबर कितना लगाओगे, u प्लस at वाला सूत्र लगाओगे, अच्छा v कितना है, v नीचे की तरफ है 30, तो माइनस के 30 लिख लो, अच्छा u किधर है, u भी नीचे की तरफ है तो माइनस के 10, प्लस a किधर है, a भी नीचे की तरफ है कितना माइनस के 10 और 3, नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटो समझ में आ गया ना u t ये सब, चलो अब कर लो, इधर लेके आओगे माइनस 10 प्लस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस के 10 टी, तो ये जाएगा टी बराबर 2 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन ने क्या समझा, तो देखो इस कॉन्सेप्ट से अपन एक चीज समझ गए पूरी चीज, देखो मैंने वो वाला सूत्र नहीं, आपको यदि सीधा निकालना है, मैंने देखो आपको पूरा समझाया, कुछ कुछ बच्चे देखो बिल्कुल क्या दिमाग आएंगे, कुछ कुछ बच्चे ये भी दिमाग आएंगे, आपने 40 मीटर से यहां से फेंका ये वस्तु को यू, तो मैं सीधे लगाऊ ना यहाँ पे सूत्र x बराबर यू टी प्लस आप टी स्क्वायर, आपने ही तो बताया था, बिल्कुल मैंने ही बताया, x आप लिखोगे मैं लिखूंगा x माइनस 40 मीटर, मतलब आप ही बता रहे हो मुझे कि गुरु जी मैं लिखूंगा माइनस 40 मीटर क्योंकि ये नीचे है विस्थापन, u ऊपर गए थे 10 तो 10 की लिखूंगा प्लस के, फिर माइनस लगाऊंगा क्योंकि ये नीचे है और 2 10 है तो 2 को 12 लगाऊंगा 5 टी स्क्वायर, तो जब मैं इसको हल करूंगा तो ऐसे टी के लिए निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, कौन किसने मना किया है, बिल्कुल निकलेगी टी की वैल्यू, ठीक है, तो टी की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, अब वो जो टी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपके पास 4, कितनी निकलेगी 4 सेकंड, कैसे देखो चलो निकाल लेते हैं, जब आप कह रहे हो देखो इसको चले जाओ तो 5 टी स्क्वायर माइनस के 10 टी माइनस के 40 बराबर जीरो ये होगा, ठीक है बिटू, अब टी 1 2 दो वैल्यू होगी तो 10 प्लस माइनस रूट 10 का स्क्वायर रहेगा 100 माइनस प्लस, ठीक है ये माइनस ना प्लस 4 चौक 16 मतलब 4 को गुणा करेंगे इसको 160 और 100 का जो 80 तो 800 जाएगा ये बटे 2a 5 दो निकल 10 तो 10 प्लस माइनस ये कितना जाएगा 30 बटे 10 दो मान निकलेंगे, ठीक है 10 प्लस 40 बटे 10 और 10 माइनस 30 तो माइनस के 20 बटे 10 तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 4 सेकंड और ये कट जाएगा तो माइनस के 2 सेकंड, टाइम ऋणात्मक कम नहीं होता, माइनस के 2 सेकंड का भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको सिखाया था क्या माइनस 2 का मतलब क्या होता है, कि माइनस 2 का मतलब ये है कि यदि मैं इस पार्टिकल को इस बॉल को नीचे से फेंकू यहां से तो ये 40 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा 2 सेकंड, और वो यही आया देखो
इस पार्टिकल को मेरा वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 20 से इससे भी कर सकते हो, 4 सेकंड वाला क्या है यहाँ पे बिल्कुल 4 सेकंड वाला है इस पार्टिकल की यहां से और टोटल दूरी यहां तक आने में, यहां से लेके और पूरा धरातल पे आने में कितना समय लगाया, टोटल 4 सेकंड। और ये माइनस के 2 सेकंड क्या है, ये आने में यहां से यहां 2 सेकंड, टोटल यहां से यहां 4 सेकंड, ये 2 सेकंड, तो ये वाला कितना जाएगा 2 सेकंड। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप इससे भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बोलना मैंने आपको सिखा दिया पूरा। और यहां पे भी मैंने आपको इंडिविजुअल सिखा दिया कैसे, ये वाला पहले यू को यहां से बैठा तो मैंने टी बराबर 2 सेकंड आ गया, ये टी बराबर 2 सेकंड कौन सा आया, यहां से लेके यहां तक का समय आया 2 सेकंड। फिर उसके बाद मैंने यहां पे वेग निकाल सिखाया आपको, ये वेग 10 ही रहेगा, फिर यहां से 40 मीटर ये वेग 30 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक आने में कितना 2 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 4 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां आप इसको ऐसे भी करोगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे क्यों, क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हो, तो ग्राफ में हर एक समय पे आपको वेग भी निकालना है, विस्थापन भी निकालना है, इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया। ठीक है, जब आप इससे करोगे तो टाइम तो निकल आएगा बेशक, लेकिन आपको फिर वापिस से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर आपसे विस्थापन निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाए इस टाइप के, तो आपको एक्टिविटी निकालना है तो आप इंडिविजुअल निकालो, पहले यू का जहां से बैठा वहां पे आने तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, एच सीधा सूत्र लगा लो, ये निकला कहां से, इससे वहीं से निकला है, और मैंने आपको बोला कि रात को 2 बजे भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, सब कुछ अपन कलेक्ट कर चुके हैं, अब उनको बनाना है ग्राफ बीटी का। ठीक है, ऐसा भी यदि आपके मन में चल रहा तो ये भी मैंने आपको सिखा चुका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो चलिए बच्चों अब अपन को बनाना है बीटी ग्राफ। ठीक है, तो बीटी ग्राफ ले लो पी और बी, चलो टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे, तो टी बराबर 0 पे इस त्रिभुज कितनी है, तो टी बराबर 0 जहां मूल बिंदु टी बराबर 0, तो स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो टी बराबर 0 पे स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ओहो आहा, ठीक है धनात्मक यानी ऊपर की तरफ। फिर अगले 1 सेकंड देखो, यहां पे 0 सेकंड था, फिर ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2 सेकंड, तो उसका आधा करेंगे तो यहां पहुंचेगा ना, यानी यहां, तो अगले 1 सेकंड में वेग कितना हुआ 0। ठीक है, और एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे बनेगी, मतलब वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटू अब अपन यहां पे जो 1 सेकंड लेंगे, यहां 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में वेग कितना होगा 0, तो अब दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे सीधा टेढ़ा, कोई दिक्कत है क्या, ओके। फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में यहां से लेके यहां तक आने में और 1 सेकंड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2 सेकंड, तो यहां से यहां यानी अगले 1 सेकंड, तो अगले 1 सेकंड का मतलब 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में वेग कितना हो गया, उतना ही हो गया, या है कितना हो गया, जितने से अपन ने कहा तो माइनस के 10 हो गए, लेकिन दिशा क्या होगी, उल्टी होगी। ठीक है बच्चों, बेटू को दिक्कत है क्या, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद बोलो अब अगले, तो यहां पे कितना हो गया टोटल 2 सेकंड, अब अगले 2 सेकंड हो गए, तो देखो अगले 2 सेकंड हो गए, अगले और 2 सेकंड में वेग कितना हो गया 30, बढ़ गया ना, तो देखो अगले 2 सेकंड यानी 4 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 4 सेकंड। इस 4 सेकंड पे वेग कितना हो गया, यहां पे वेग हो गया, मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 30, ये हो गया माइनस के 30 मीटर पर सेकंड उसका। ठीक है बेटू, समझ में आया, अब इसको मिला दो, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले 3 सेकंड पे तो ये बन गया वेलोसिटी 30, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार की कैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटू, चलो अब अपन बात करें, तो चले बच्चों अब अपन बनाते हैं इसका एक्सट्री ग्राफ। ठीक है, तो एक्सट्री ग्राफ अपन देखेंगे, तो ये तो हो गया मेरे पास मूल बिंदु 0,0। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 यानी समय टी बराबर 0 पे, समय टी बराबर 0 पे विस्थापन कितना है, समय टी बराबर 0 लिए ना, यहां से, तो यहां से टी बराबर 0, मैंने ये मूल बिंदु लिया तो मैंने इसको विस्थापन मान लिया 0, तो यहां से टी बराबर 0 विस्थापन कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0।
ठीक है, विस्थापन कितना है जीरो। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा एक सेकंड चलूंगा तो कितना विस्थापन बढ़ा, 5 मीटर ऊपर की तरफ बढ़ा। तो t बराबर एक सेकंड जैसे मैं चला एक सेकंड तो मेरे पास 5 मीटर विस्थापन हो गया। और इसको ऐसे मिलाना है क्यों, क्योंकि वेग घट रहा है ना, तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगले एक सेकंड चलूंगा यानी टोटल 2 सेकंड हो जाएगा, तो ये 2 सेकंड में ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, विस्थापन वही आ गया जहां से तुमने चला वहीं पे आ गया। फिर अगले 2 सेकंड और बात करूंगा मैं, तो अगले 2 सेकंड यानी 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में ये कहां चला जाएगा आपके पास, यहां अपने देखो यहां पे अपने जीरो माना ना, तो अगले 4 सेकंड यानी अगले 2 सेकंड में 40 मीटर तय कर चुका होगा, लेकिन अब दिशा क्या होगी, नेगेटिव। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया माइनस के 40 मीटर, समझ में आया। तो ये कोई आपको बोलो कोई दिक्कत है क्या मेरे इसमें, तो इस वाले ग्राफ में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अपन ने मूल बिंदु पे विस्थापन जीरो मान लिया, तो एक सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले एक सेकंड में वापिस से 5 मीटर नीचे आया तो विस्थापन जीरो हो गया वहां अपने। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चला वो 40 मीटर नीचे की तरफ नेगेटिव दिशा में। तो ये इसका अपना ग्राफ बन गया विस्थापन का। तो ये हो गया at, ये हो गया vt और ये हो गया st। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो बोलो बात करो बताओ किसी प्रकार की दिक्कत है। चलो अब आपसे बोला गया बताओ इसमें टोटल दूरी कितनी हुई, तो दूरी बोलो दूरी कितनी हो जाएगी दूरी। तो जहां पे जब भी पलटी खाते हैं ना अपन, जहां दूरी जब भी आपको दूरी का ग्राफ बनाना है तो जहां आपने पलटी खाई है उसके सापेक्ष आप क्या कर लो, इसको क्या कर लो मिरर इमेज ले लो, इसकी क्या ले लो मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होगी ऐसे, तो ये हो जाएगा। नहीं समझ आया, वापिस सुनो आपसे ये तो था विस्थापन समय का, आपसे कोई पूछे दूरी और समय का ग्राफ बनाओ, तो बेटू दूरी और समय का जब आपसे ग्राफ पूछेगा तो आपको क्या करना है कि जहां आपने विस्थापन में पलटी खाई है, विस्थापन के ग्राफ में जहां पलटी खाई है वहां आप मिरर इमेज बना दो। तो ये आपने यहां पलटी खाई है, इसकी मिरर इमेज बना दो, ये हो जाएगा। तो 4 सेकंड ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये दूरी 5। तो अब ये 5 और 4 हो गए अपन 10 और ये टोटल कितना हो गया 40, यहां से यहां तक हो गया 40। तो ये 5 5 और ये 40 है, तो ये टोटल कितना जाएगा 50। ठीक है बेटू कोई दिक्कत है क्या, तो 50 इसका अंतर 40। ठीक है तो ये हो गया दूरी और समय का ग्राफ। ठीक है तो विस्थापन समय के ग्राफ से जब दूरी समय ग्राफ बनाना है तो जहां पे वो पलटी खा रहा है उस पॉइंट पे आप मिरर इमेज ले लो। चलो अब ये हो गया दूसरा दृष्टिकोण। अब बात करेंगे अपन कुछ बेसिक कि दोनों एग्जांपल से अपन ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो वो अपन बेसिक बातें करते हैं। तो चलिए बेटू अब अपन कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं। पहला रिजल्ट, यदि आपको विस्थापन और समय का ग्राफ क्या दे दिया जाए, आपको कांस्टेंट दे दिया जाए ऐसे, ठीक है कांस्टेंट दे दिया जाए, तो अब आपको समझना है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा। फिर बोलो ये वेलोसिटी कैसे बनेगा, जब ये कांस्टेंट है विस्थापन चेंज नहीं होगा तो वेग भी क्या होगा जीरो और ए भी क्या होगा जीरो, ये भी जीरो। ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि जब विस्थापन और समय का ग्राफ लीनियर दे दिया है ऐसे स्ट्रेट लाइन दे दिया है तो आपको v जो होगा v और t वो कैसा बनेगा कांस्टेंट बनेगा। ठीक है v और t का ग्राफ कैसा बनेगा कांस्टेंट बनेगा और at जो होगा वो जीरो बनेगा, क्योंकि a क्या होता है at ग्राफ क्या होता है चेंज इन vt यानी vt की धार, तो vt धार कितनी है जीरो, तो जीरो सर है कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, यदि आपके पास ST ग्राफ ऐसे बन रहा है बढ़ता हुआ पानी बढ़ता हुआ प्रवाह बन रहा है तो बोलो VT जो ग्राफ बनेगा VT ग्राफ वो कैसा बनेगा
बढ़ता हुआ, इंग्लिश डाल बढ़ रही है इसकी तो वीटी बढ़ रहा है। अच्छा वीटी बढ़ रहा है तो एटी बोलो, एटी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एटी क्या होगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि वीटी की ढाल क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा वीटी की ढाल का होगा। ठीक है बेटू, फिर फोर्थ पॉइंट, यदि मान लो आपके पास एस टी ग्राफ ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, यदि ढाल ऐसे पानी डूलता हुआ, पानी बढ़ता हुआ, ये पानी डूलता हुआ ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो आपके पास जो वीटी होगा, वीटी ग्राफ होगा वो ऐसा बने इस टाइप से। ठीक है, ढाल इसकी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव दिशा में, तो वेग बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव दिशा में, ऐसे होगा। जब भी आपको ये समझना है कि जब भी ऐसे ढाल होगी ना ढूलता हुआ एक्स टी की, जब भी एक्स टी ग्राफ में पानी ढूलता हुआ बन रहा है जिस समय से, उसी समय से आप तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा इसका मतलब भी, और ए टी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट नेगेटिव। ठीक है बेटू, वो देख रहेगा। तो आपको इस प्रकार ये चार ग्राफ जो है इनको आपको समझ में आना चाहिए, चारों ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपके पास और डिटेल में जाने के लिए। चलो ये ठीक है, अब मैं आपको आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे का, तो ऊपर नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको दिया बीटी ग्राफ, मैंने बिल्कुल आपको क्या दे दिया बीटी ग्राफ, खुद ने मन बना के ऐसे मनमोजी क्वेश्चन, ठीक है मनमोजी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्या मैंने आपको दे दिया पी और वी, और ये दे दिया मैंने आपको ऐसे, ये हो गया टी वन टाइम, ये हो गया टी टू टाइम, और ये हो गया टी थ्री टाइम, और ये हो गया जीरो। ठीक है, ये बीटी ग्राफ है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ एस टी ग्राफ, मैंने आपसे क्या पूछा एस टी ग्राफ बताओ जिसका। ठीक है, तो जैसे ही आप एस टी ग्राफ बनाओगे तो अब आपको क्या करना है, आपको एक एक टाइम लेना, तो जीरो से टी वन टाइम, जीरो से टी वन टाइम, तो जीरो से टी वन टाइम में बोलो आपके पास वेलोसिटी जो है वो कैसे हुए ऐसे बढ़ती हुई, तो प्रवल जो पानी होगा, मतलब आपके पास एस टी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा पानी बढ़ता हुआ। ठीक है, यानी ये ना यदि ऐसा हो बी, ऐसा हो बी टी, तो आपके पास ऐसा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है बेटो, कोशिश करेगा। फिर उसके बाद T1 से T2 टाइम, T1 से T2 टाइम आपके पास वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एस टी बोल कैसा बनेगा सीधा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एस टी बोल कैसा बनेगा ऐसे, है ना। तो अगले टाइम T2 तक, अगले टाइम T2 तक ऐसे हो जाएगा, दिक्कत रहेगा जब सीधा हो गया। फिर T2 से T3 टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है ऐसे घट रही है, तो वेलोसिटी जब ऐसे होती है घट रही है तो जिस टाइम से घटना स्टार्ट हुआ उसी टाइम से पानी डूलता हुआ, पानी डूलता हुआ प्रवल बनेगा। तो यानी यहाँ पे T2 से T3 पे जो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऐसे ये, तो ये हो गया आपका एस टी ग्राफ। ठीक है मेरे बेटू, समझ में आया क्या मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ टी थ्री पे वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, तो डाल ऐसे दे के छोड़ देने आपको, तो वेलोसिटी देखो डाल ऐसे होगी ना खड़ी, एस टी की जो डाल होगी वही बीटी देगी ना, तो ये हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा टफ लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों की ये सब चीजें, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। मैथ के बच्चों को तो आना ही चाहिए क्योंकि मैथ तो इसमें है ही है। ठीक है, नीट के बच्चों को तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, कोई बात नहीं, वो भगवान का नाम लो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन ये नीट में एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ऐसे इस टाइप का नीट में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है, बेधड़क होके लगा देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन सुनाऊंगा उसी से बात जाएगी नहीं, ये भी गारंटी है। ठीक है बच्चों, और किस्मत खराब हुई तो बात अलग है, अब तक तो हुआ नहीं और आपकी ज्यादा किस्मत खराब है तो बात अलग है। चलो, तो अब अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, ये कि ऐसे होगा तो कैसे बनाना है, ऐसे होगा तो ऐसे बनाना है, और इसको अपन ने ये बनाना।
अब अपन और कुछ क्वेश्चन लेंगे, वीएस एएस वाले ग्राफ भी लेंगे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको बारे में अपन बात करेंगे। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो इसको अपन मिनट डालते हैं, इसको ताल लेना अच्छे से। चलो तो चलिए बैठो, एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीन। दो क्वेश्चन से था पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट निकाले थे, अब क्वेश्चन नंबर तीन आपको दे दिया वीटी ग्राफ। ठीक है, ये वीटी ग्राफ आपको दे दिया ऐसा, ये आपको दे दिया 2 सेकंड, ये आपको दे दिया 4 सेकंड और ये आपको दे दिया 6 सेकंड। यहाँ आपको वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड और ये आपको वेलोसिटी दे दी -10 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला गया क्या कि वी एक्स टी ग्राफ बनाओ, आपसे क्या बोला गया एक्स टी ग्राफ बनाओ विद सिंबल, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या क्या एक्स कहाँ कहाँ पे होगा, तो वो एक्स टी ग्राफ बनाना है। तो उससे पहले बच्चों देखो एक्स टी ग्राफ आपको बनाना है, अब आप तो आसानी से बना सकते हो टी और एक्स, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया क्या ग्राफ तो बना सकते हो ना, टी बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड, ये लिख लिया आपने। अब टी बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी ऐसे होती है, तो जब वेलोसिटी ऐसे तो पानी बढ़ता हुआ टी बराबर 2 सेकंड तक कहीं पे भी मान आएगा एक्स का, ऐसे बढ़ेगा पानी बढ़ता हुआ, इतना सिखा दिया। फिर इसके बाद टी बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड पे कितना हो गया 0, तो 4 सेकंड पे ये तो 4 सेकंड यानी 2 से लेके 4 में ऐसे आ रहा है तो पानी डूबता हुआ, तो यहां पे क्या होगा पानी डूबता हुआ और पीक पे जाके यहां ऐसे तो पानी डूबता हुआ ऐसे, ये ऐसे बनेगा, समझ में आया बच्चों, तो दिक्कत है क्या, 0 हो गया ना, तो देखो वेलोसिटी 0 तो विस्थापन की ढाल यहाँ पे 0, ढाल 0 हो गई। फिर अगले 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड, तो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी उतनी अचीव हो गई, तो ये जो यहां पे वेलोसिटी था मतलब यहां पे जो था, मैंने आपको बताया था ये चीज, मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जिस स्थिति पे वेलोसिटी यू है ऊपर की तरफ जा रहा है और लौटते समय उसी स्थिति पे वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी, समझ आया बात, जिस स्थिति से यू ऊपर जा रहा है वस्तु यू वेग से आते समय उसी स्थिति पे उस वस्तु का वेग यू होगा और नीचे होगा नेगेटिव। तो यहां पे देखो अगले 6 सेकंड में वस्तु का वेग कितना है -10, अब +10 कहां पे आया 2 सेकंड की जो स्थिति थी अपने वहां पे +10 आएगा, तो 6 सेकंड की स्थिति पे कितना जाएगा -10, यानी 2 सेकंड की जो स्थिति है वो यही, तो इसी स्थिति पे क्या होगा 6 सेकंड, यानी ये ऐसे रहेगा, ये बात समझ में आएगी, तो आपके पास एस टी ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ में आया। तो चारों ऑप्शन में से यदि केवल यूनिक यही दिख रहा हो तो आपको तो यही आंसर लगाना है, मान लो ऐसे ही तीनों दिख रहे हो मान अलग अलग, अब मान निकालना है, ठीक है बेटू समझ आया, चलो अब मुझे मान निकालना है, तो निकालो मान, तो 0 से लेके 2 सेकंड, अब देखो ध्यान समझना बेटू एक चीज और, मैंने आपको क्या बोला है कि वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है वेग, ठीक है बेटू कोई दिक्कत है। चलो अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने लिखा ds वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इनटू dt वेक्टर, ये लिखा। अब बेटू मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसको क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, अब जब मैं v dt का इंटीग्रेशन करूंगा ये, तो ये इसको क्या बोलूंगा एरिया, एरिया अंडर द, एरिया अंडर द वीटी कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व, यानी वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ये वीडीटी, ठीक है, कहां से लेके कहां तक, जैसे मैंने ये लिखा 0 से लेके t तक या t1 से लेके t2 तक, जो भी लिमिट लेनी है, तो मैंने लिखा t1 से लेके t2 तक, तो ये जाएगा t1 से t2 तक, ठीक है t1 से t2 तक जो क्षेत्रफल होगा। और ये ds वेक्टर ये क्या होगा, ये हो जाएगा
विस्थापन अब ये क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये हुआ। और एक्स फाइनल कौन सा फाइनल, टी टू वाला, टी टू पे जो फाइनल हुआ, और एक्स इनिशियल कौन सा वाला, टी वन वाला। तो अब आपके पास ये सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र समझ आया बच्चों। तो अब इस सूत्र से आप पहचानो क्या, देखो एरिया अंडर द बीटी कर्व, तो एरिया अंडर द बीटी कर्व, तो ये बीटी है जिसका मैंने एरिया निकाला है, ये वाला कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके दो सेकंड तक, जीरो से लेके दो सेकंड तक। तो एरिया निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है दो, ऊंचाई कितनी है दस, गुणा करेंगे बीस, बीस का आधा दस, तो ये कितना जाएगा दस, इसका एरिया हुआ है दस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और जीरो से लेके दो सेकंड तक एरिया कितना गया दस, ये लिखूंगा, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब ये फाइनल वाला कौन सा होगा, दो सेकंड वाला, टी बराबर दो सेकंड पे विस्थापन, और ये एक्स इनिशियल क्या होगा, टी बराबर जीरो सेकंड पे विस्थापन, ठीक है बेटू। अब टी बराबर जीरो सेकंड पे विस्थापन कितना लिया है, जीरो लिया है तो जीरो, और टी बराबर दो सेकंड पे विस्थापन जो निकल आएगा दस, तो ये विस्थापन कहां पे है, दो सेकंड पे, ठीक है। तो टी बराबर दो सेकंड पे विस्थापन कितना जाएगा दस मीटर, तो ये दस मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब मुझे ये लिखना है दो से लेके चार सेकंड तक, तो बेटा दो से लेके जब मैं चार सेकंड तक लूंगा, दो से लेके चार सेकंड तक लूंगा, तो अभी विस्थापन कितना है दस, दो से लेके चार सेकंड में एरिया कितना है दस, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसको मैं लिखूंगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू दस, ये लिखूंगा, ये वाला क्षेत्रफल भी दस है। लेकिन अब ये फाइनल वाला तो ये तो चार सेकंड पे होगा, और ये कितना होगा दो सेकंड पे वाला इनिशियल, ऐसे लेके ऐसे कर रहा हूं ना मैं, दो से लेके चार सेकंड तक, ठीक है बेटू। अब बोलो एक्स फाइनल निकालना है मुझे चार सेकंड पे, माइनस एक्स इनिशियल दो सेकंड पे कितना है, तो एक्स इनिशियल दो सेकंड पे कितना है दस मीटर, यानी दो सेकंड में विस्थापन कितना है दस मीटर बराबर दस, तो एक्स फाइनल दो सेकंड पे कितना गया बीस। इसको समझना है, आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार आप कोशिश करो, वीडियो को बैक करो, या कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है बेटो, ठीक है बच्चों। तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया बीस मीटर, ये यानी ये कितने दूरी दस मीटर, समझ में आया। तो ऐसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलो। एस्टीग्राफ, अच्छा आपको एटी ग्राफ बनाना हो, इसका एटी ग्राफ बनाना हो, बोलो एटी ग्राफ कैसे बनाओ, बोलो 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 बोलो। देखो वीटी का स्लोप, वीटी का स्लोप क्या होता है एटी, ये बात समझ आए ना, वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ की ढाल तो एक्स टी देगी, और वीटी ग्राफ का स्लोप, सॉरी नहीं मैं गलत बोल गया, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल तो आपको एस टी देगा क्षेत्रफल, और वीटी ग्राफ का ढाल या स्लोप वो आपको ए देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो देखो जीरो से लेके दो सेकंड तक जब मैं बात करूंगा, तो जीरो से लेके दो सेकंड तक इसकी ढाल, तो जीरो से लेके दो सेकंड तक ढाल कितनी रहेगी थीटा, तो ये दूरी कितनी है दस, ये दो तो पांच हो गई, लंबाई आधा तो पांच, टेन थीटा बराबर कितना हो गया पांच, यानी एम बराबर कितना हो गया पांच, ढाल पांच हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना है पांच, एक्सेलरेशन पांच कहां से लेके कहां तक है जीरो से लेके दो सेकंड तक, एक्सेलरेशन कितना है पांच, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो ये हो गया पांच, धनात्मक दिशा में होगा वेलोसिटी बढ़ रही है पांच ऊपर की तरफ, ठीक है कोई दिक्कत है बेटो। चलो उसके बाद अगले दो सेकंड में, अगले दो सेकंड में वेलोसिटी घट रही है, तो अगले दो सेकंड में वेलोसिटी घट रही है तो इसका मतलब ये चार सेकंड, तो अगले दो सेकंड हो गए ना, तो चार सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या जाएगा नेगेटिव, ढाल नेगेटिव हो गई तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा नेगेटिव, और उतने ही है तो ये माइनस के पांच मीटर, ठीक है कोई दिक्कत है क्या। फिर अगले दो सेकंड, अगले दो सेकंड में वेग नेगेटिव जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यानी छह सेकंड तक, कहां तक छह सेकंड तक, अब त्वरण ऐसे ही रहेगा माइनस पांच विपरीत दिशा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। एटी ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है क्या, देखो जीरो से दो सेकंड तक ढाल क्या हो रही है बढ़ रही है वेलोसिटी, देखो ना जीरो से लेके दो सेकंड में ढाल, ढाल तो कॉन्स्टेंट है, जीरो से दो सेकंड तक इसकी ढाल कितनी है पांच, तो ढाल पांच प्लस है,
फिर उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी घटने लगे, इसका मतलब त्वरण क्या हो गया, पहले वाले के रिवर्स हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पहले वाले के रिवर्स, पहले वाला ये माना तो उसका रिवर्स, पहले वाला नीचे मानोगे तो उसका रिवर्स, जो भी आपको मानना है वो आपका लेना। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है? और ये आंसर चलेगा 6 सेकंड में, आगे तो आगे भी ऐसे चलता जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, जब ऐसा कुछ हो तो आपको ऐसा बनाना है। ठीक है बेटू, चलो अब इसके अपन बात कर लेते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो बेटू मैं इसकी ज्योमेट्री बता देता हूँ आपको, कार कैसे कैसे चल रही है, क्या क्या हो रहा है। तो देखो इसकी एक बार आप ज्योमेट्री कर देख लो, वीटी ग्राफ को रीड करना सीखो, और वीटी ग्राफ से फिर अपन आगे देखेंगे क्या सीखना है। तो देखो रीडिंग ऑफ ग्राफ मैंने आपको लेना सिखा दिया, तो चलो ये मैंने ओरिजिन मान लिया 0.0, ठीक है ओरिजिन मान लिया, टी बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, पार्टिकल कहां पे 0 पे मान लेता हूं मैं, वो आपको दे देगा टी बराबर 0 पे इनिशियल पोजीशन कहां पे, तो मैंने टी बराबर 0 पे इनिशियल पोजीशन गोल विंडो पे मान लिया। ठीक है वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, वेलोसिटी कितनी है 0। फिर अगले 2 सेकंड पे टी बराबर 2 सेकंड, तो टी बराबर 2 सेकंड पे कार कहां गई, कार की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो पहले वेलोसिटी 0 है, अब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इधर ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है फिर उसके बाद अगले 2 सेकंड, तो अगले 2 सेकंड कितना है 4 सेकंड, तो टी बराबर 4 सेकंड यहां पे। ठीक है तो एक बात तो समझ आया कि जब यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, इधर लगेगा, ए यहां लगेगा। ठीक है फिर उसके बाद ये देखा कि टी बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी कार की कितनी हो गई, यहां के वेलोसिटी यहां के 0 हो गई, तो यहां पे वेलोसिटी 10 थी, यहां वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब ये वाला जो ए है वो इधर ना लग के इधर लगेगा ए यहां पे 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड पे अपन ने त्वरण को क्या कर दिया, सडनली चेंज कर दिया, ऐसा है। फिर यहां 0 हो गए 4 सेकंड, फिर उसके बाद इधर पे कितना है 10, अगले 2 सेकंड हो, तो ये कार वापिस से पलटी आगे यू आ जाएगी, ऐसे गई, अब पलटी आगे यहां गई तो यही आएगी। ठीक है ये समय हो गया 6 सेकंड यहां पे, और कार की वेलोसिटी कितनी हो गई 10 इधर थी, अब 10 इधर हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि यदि इस एक स्थान से वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो और आते समय उसी स्थान पर 10 मीटर पर सेकंड विपरीत दिशा में हो, इसका मतलब ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहां पे ए जितना था उतना ही ए इसी दिशा में यहां होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेम काम, ठीक है बेटू कोई दिक्कत है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा, यदि आपको कभी ऐसे बना के दे तो आप समझ जाओगे ऐसा है और एक भी ऐसा है। ठीक है बेटू, तो ये पूरा जितनी भी फिजिक्स की ब्यूटीफुल खूबसूरती है ये आपको समझ में आनी चाहिए, दिमाग को जोर मतलब दिमाग पे ऐसा ना ना पूरे भगवान ये तो कितना टफ है, कहां से उल्टा इसको ऐसा लेना और रोई बोली तो कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे अपन घुमा, मतलब एक अपने अंदर इच्छा शक्ति लाना फिजिक्स सीखने की, जो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है तो ये आपके पास इस प्रकार से किसी का सिग्निफिकेंट बनेगा। ठीक है बच्चों चलो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब अपन थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है जेई मेंस में। ठीक है बहुत सिंपल सा है, टी और ए का आपको ग्राफ दे रखा है और टी और ए का ग्राफ आपको ऐसे दे दिया ये ऐसे, ये 2 सेकंड और ये 4 सेकंड, और यहां पे आपको एक्सीलरेशन दे दिया कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको दिया हुआ है टी बराबर जीरो पर कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए टी बराबर 4 सेकंड पर
कण का वेग कितना होगा, कण का वेग कितना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो टी बराबर जीरो पे कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा, टी बराबर जीरो पे इतना है, एक ही आपको दे दिया। तो बच्चों अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है बेटू, तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे कि गुरुजी टी बराबर जीरो से लेके, देखो बच्चे क्या करेंगे, कुछ स्मार्ट बच्चे जो ज्यादा स्मार्ट है वो ऐसे करेंगे, गुरुजी टी बराबर जीरो से टी बराबर दो सेकंड तक तो ए कॉन्स्टेंट है, तो ए नियत है, ए नियत है, ए नियत है, तो बी लीनियर बनेगा जो है अपन लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन टी बराबर दो सेकंड तक, दो सेकंड से टी बराबर चार सेकंड तक ए वेरिएबल है, ए क्या है, वेरिएबल है टी के सापेक्ष। देखो ए वेरिएबल है यहां से लेके यहां तक, ए वेरिएबल टी के सापेक्ष। तो वो बच्चे क्या करेंगे, जीरो से लेके दो सेकंड तक एक कांस्टेंट लेंगे, दो से लेके चार सेकंड तक एक वेरिएबल लेके, फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर वो कर देंगे। कैसे कर देंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले हम ये स्मार्ट से कर लेते हैं, फिर अब वो बच्चे क्या करेंगे कि एक दो सेकंड है, मतलब ए नियत है चार, तो ए का मान कितना है चार, तो ए इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी ले लिया उन्होंने, ऐसे बना दिया और ले दिया चार, कब, जब जीरो से दो, ठीक है, ऐसे ले दिया टाइम। और फिर आपको अगले यानी ए वेरिएबल दो से लेके चार, तो अब मुझे इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो ये सीधी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो आप देखो यहां पे क्या है आपके पास, ढाल ले लो, देखो आपके पास ये लिखते हो आप वाई बराबर एक्स प्लस सी, ये लिखते हो आप वाई बराबर एक्स प्लस सी, जिसमें ढाल क्या होती है, तो ये ढाल निकालो। अब बोलो ये दूरी कितनी है चार, और ये दूरी कितनी है दो, ठीक है, अरे सही ना। तो अब अपन क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है चार, बटे आधार कितना है दो, तो कितना हो गया दो। अब दो क्या है, ये वाला एंगल दो है, ढाल ये निकाले ना, जबकि अपन को निकाले क्या है, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, और वाई की जगह लिखो ए, वाई की जगह ए लिखोगे, एम की जगह माइनस के दो लिखोगे, समझ में आया, माइनस के दो आ गए ना, और एक्स की जगह लिखोगे टी, टी लिख दिया। फिर प्लस के सी मुझे निकालना है, सी नहीं मालूम, सी क्या होता है, सी होता है कि लाइन वाई को कहां इंटरसेप्ट करेगी, वही होता है, ठीक है। मैथ वाले बच्चे तो जानते हैं, बायो वाले बच्चे तो देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा उन्हें लगेगा अजीब सा हो रहा है ना, कोई नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझना है जो मैं बता रहा हूं वो करना है आपको। अब मुझे इसका सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो कोई आपसे बोले बताओ यहां पे ए का मान कितना है, तो ए का मान तो जीरो, और टी का मान कितना चार, तो ये हो जाएगा चार कॉमा जीरो, ये होगा। आप इस टी की जगह चार रखोगे, इस ए की जगह जीरो रखोगे, और इसको क्या करोगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो टी ए की जगह जीरो रखा, माइनस के आठ प्लस के सी, तो सी की वैल्यू कितना आई पांच। तो इस प्रकार आपके पास क्या समीकरण आया, आपके पास समीकरण बना, ए की क्या वैल्यू बनी, माइनस के टू टी प्लस सी की वैल्यू देंगे आठ, और ये कहां से कहां आया, जब दो से दो या दो से बड़ा और चार से छोटा, यस। तो ये आपके पास क्या गया, एटी फंक्शन आ गया, ठीक है। तो आपने एटी फंक्शन निकाल लिया बच्चों ने, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वाह वेरी गुड, मजा आ गए। तो बाबा ओके, अब देखो बाबा अपन क्या करेंगे, वी टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी, तो वी इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालेंगे। तो वी टी जब अपन निकालेंगे, तो देखो जीरो से लेके दो सेकंड तक जब मैं बीटी निकालूंगा, तो ए तो कांस्टेंट है, ए तो कितना है मेरे पास चार दे रखा है इस समय, ठीक है, दो सेकंड तक। तो अब अपन को दो सेकंड पे क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो बेटू जब अपन को दो सेकंड पे वेग निकालना है, तो क्या लगाओगे, अब वी बराबर यू प्लस ए टी वाला सूत्र लगाओगे, ठीक है। तो वी यू कितना दे रखा है आपको, टी बराबर जीरो पे दो दे रखा है, प्लस ए कितना है चार। अब टी कहां तक लेना है मुझे, दो सेकंड पे, कहां पे लेना है, दो सेकंड, इंटू दो, ठीक है। तो चार गुने आठ गुने दस, तो वेलोसिटी कितनी होगी, दस मीटर पर सेकंड। तो ये दस मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कहां पे हुई, दो सेकंड पे, ठीक है। अब अगले और चलाना है मुझे,
लेकिन अगर हमें ए टी कितना दे रखा है बंधु, ए इज द टाइम माइनस के टू टी प्लस के आर दे रखा है, ठीक है, माइनस के टू टी प्लस आर। अब ए टी को अपन क्या लिखेंगे, ए टी को लिखेंगे डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टू टी प्लस आर। अब इस डी टी को चले जाओ तो डीवी इज इक्वल टू वैल्यू में रहेगा माइनस के टू टी प्लस आर इंटू डी टी। मैं सब तरीके बता रहा हूँ, जितने भी तरीके बच्चों के आ सकते हैं माइंड में वो सब तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक है। अब टाइम बोलो ये एसी कहाँ से कहाँ लग रहा है, तो ये दो से लेके चार, तो यहाँ आप देखोगे टी बराबर दो से लेके टी बराबर चार लिखोगे, तो टी बराबर दो पे वेलोसिटी कितनी आ गई दस, तो यहाँ आप देखोगे दस, और टी बराबर चार पे वेलोसिटी आपको निकालनी है ये, तो डीवी का समाकलन होगा तो वी, और वी में उच्च लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो v माइनस के 10 ये आएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर बेटू अपन क्या करेंगे, माइनस के 2 ये आ जाएगा, t का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर बटे 2 और लिमिट रखेंगे 2 से लेके 4 प्लस 8 आ जाएगा, t का करेंगे t 2 से लेके 4 समाकलन करें सिंपल सा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये कितना जाएगा माइनस 2 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 4 माइनस 2 v माइनस 10। जब हम इसको हल करेंगे तो v बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस के 12 और ये जाएगा प्लस के 16, तो प्लस के 16 और माइनस के 12 तो 4 बचेगा और माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10 तो 14, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 14 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार बच्चा आंसर करेगा सही आएगा 14 मीटर पर सेकंड आ गया, किस पे, t बराबर 4 सेकंड पे, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। लेकिन हम उसको समय कितना लग गया वो इम्पोर्टेंट है, जब नीट में ये पूछना है तो ऐसे थोड़ी कि वो इतना समय थोड़ी लेना पड़ेगा इस सवाल के, क्योंकि और बच्चा होगा वो बहुत जल्दी कर जाएगा ना, तो इसको अपन आप किस अप्रोच से करेंगे वो भी देखो। तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सिखाया था कि ग्राफ ढाल लेके या पीछे बैक मारते हैं तो क्या लेंगे क्षेत्रफल लेंगे, आगे चलेंगे तो ढाल लेंगे। एपी है ये क्या दे रहा है आपको एटी, पूछा क्या है आपसे बीटी, एटी से बीटी पे जाना है तो बोलो क्या करेंगे आप समाकलन करोगे, इसका मतलब इसकी जो ढाल होगी, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डीवी बाई डी टी ए टी टी, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों कि इंटीग्रेशन डीवी, इंटीग्रेशन डीवी बराबर क्या है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द एटिकल, ये ताजा सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये डीवी इंटीग्रेशन डीवी बराबर एरिया अंडर द एटिकल। अब इंटीग्रेशन डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और यहां पे अपन लिमिट लगेंगे v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो ये जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब ये v फाइनल कौन सा लेना है, उस समय कि एरिया अंडर द कर्व आप समय कहां से कहां ले लो, ठीक है, कहां से कहां तक का एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो मैंने पूरे निकाल लिया एरिया अंडर द कर्व जीरो से लेके चार तक, जीरो से लेके चार तक, तो बोलो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया जाएगा आठ, कितना हो जाएगा बच्चों आठ, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एरिया आठ में 16 देखो ना, चार चार में आठ का आधा चार, तो ये एरिया आठ ये एरिया चार, तो टोटल एरिया कितना हुआ 12, ये टोटल एरिया 12 एरिया। अब ये टोटल एरिया 12 कहां से कहां आया, जीरो से लेके चार सेकंड तक, ठीक है, तो v फाइनल जो है ये चार सेकंड वाला लेना है यानी यहां पे, और v इनिशियल जो है वो मुझे जीरो सेकंड वाला लेना है, ठीक है बेटू कोई दिक्कत है क्या। अब चार सेकंड पे v फाइनल मुझे ये तो निकालना है चार सेकंड पे v कितना होगा, बस सिंपल, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, जीरो सेकंड पे v कितना दे रखा है 2 इक्वल टू 12 और v फाइनल इक्वल टू कितना है 14 मीटर पर सेकंड। लो बताओ कितनी सी जल्दी हो गया। तो ये जितनी भी लंबी कहानी है तुमने सुनाई तो इसका देखो मतलब तो वही है, अपन ने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी जेई में आया क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखो आप आपके पास तो देखिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेई में आया क्वेश्चन सेम चौथे वाले की तरह, तो
पांच वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पांच। अपन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपन को ए और एक्स दिया हुआ है, ए एक्स पूछा है, ठीक है, ए एक्स। तो ए एक्स का ग्राफ दे रहा है अपन को सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन किया वैसा ही, ऐसे कैसे देता है इससे, ठीक है। ये मैंने चलो 4 मीटर पर सेकंड इसका ले लिया करंट, और ये मैंने 2 मीटर ले लिया, अब ये मीटर है वहां पे सेकंड था और ये मीटर, और ये मैंने 4 मीटर ले लिया, सेम ऐसे ऐसे 0 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है यदि कण, यदि कण का प्रारंभिक वेग, यदि कण का प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड है तो x बराबर 4 मीटर पर कण का वेग होगा, कण का वेग होगा। तो देखो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्या देखना है कि ax ग्राफ दे रहा है, क्या दे रहा है आपको ax, ax ग्राफ दे रहा है और जाना कहां पे मुझे वेग x यानी bx पे जाना है, कहां पे जाना है bx, ax से मुझे bx पे जाना है। जाने का तरीका क्या होता है, ax से bx पे जाने का जो तरीका होता है तो मैं क्या लिखता हूं, a इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको ये ना, तो आप a को क्या लिखोगे, a को आप लिखोगे v dv dx, ये लिखोगे a को क्या लिखोगे आप v dv dx बराबर f(x) क्या दे रहा है कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। फिर आप dx को यहां लेके जाओगे तो v dv इज इक्वल टू f(x) * dx। अब यहां f(x) है क्या, f(x) यहां है क्या, f(x) किसका मान है, a का मान ही तो है, ये f(x) किसका मान है, a का मान, भाई f(x) बराबर a यानी ये a लिखोगे। अब जब आप इसका समाकलन करोगे तो आप इसका क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो जब समाकलन करोगे तो ये मीनिंग क्या कह रहा है, ये मीनिंग है एरिया अंडर द ए एक्स कर्व, ये मीनिंग कह रहा है, समझ में आया क्या बच्चों। तो अब एरिया अंडर द ए एक्स कर्व, तो ए एक्स कर्व का एरिया अंडर द क्या सूत्र होता है, इंटीग्रेशन बी डी वी। अच्छा इंटीग्रेशन बी डी वी को हल करेंगे अपन, तो ये क्या लिखो मैं, चलो यहाँ बी इनिशियल ले लो या बी फाइनल ले लो, तो इसका समाकलन करेंगे कितना जाएगा, बी स्क्वायर बाई टू है ना, और यहाँ क्या लिखोगे बी इनिशियल बी फाइनल, तो कितना जाएगा ये बी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल का होल स्क्वायर बटे दो। तो इसका मतलब क्या होगा, सूत्र निकल के क्या है, अच्छा आपके पास चमचमाता हुआ बेटू कि ए एक्स, तो कोई आपसे बोलेगा तो आप क्या लिखोगे एरिया अंडर द, एरिया अंडर द ए एक्स कर्व, एरिया अंडर द ए एक्स कर्व बराबर क्या होता है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बटे दो, ये सूत्र बनेगा। अच्छा वी फाइनल वी इनिशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर यानी एक्स के ऊपर, सॉरी अब यहाँ पे तो ए एक्स है ना, तो वी फाइनल वी इनिशियल कहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर, कि एक्स कहां से कहां तक लेगा, एक्स कहां से कहां तक, ठीक है। तो मैं तो जीरो से लूंगा और चार तक, एक्स चार मीटर जीरो से ले लो, तो जीरो से जब मैं लूंगा तो देखो ये एरिया कितना जाएगा आठ, और ये एरिया कितना है चार, अभी निकाला अपन ने तो 12 हो गया, तो एरिया अंडर द एक्स कर्व जीरो से लेके 4 मीटर तक कितना हो गया 12, ठीक है, जीरो से लेके कितना हो गया 12, ठीक है। तो एक्स बराबर कहां से लेके कहां तक, जीरो से एक्स बराबर चार तक। अब अपन को क्या लेना है वी फाइनल, वी फाइनल कौन सा लेना है, एक्स बराबर चार मीटर होगा, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा एक्स बराबर चार वाला माइनस वी इनिशियल कौन सा जाएगा एक्स बराबर जीरो वाला, ठीक है, बटे दो, समझ आया बच्चों। तो 12 में कितना जाएगा 24 इज इक्वल टू वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल, तो वी इनिशियल नहीं एक्स बराबर जीरो, तो कण का प्रारंभिक वेग कितना देगा चार, तो चार का स्क्वायर कितना जाएगा 16, ठीक है बेटू, 16 दस जाएगा तो 24 16 कितना गया 40, तो v फाइनल का होल स्क्वायर कितना गया 40, तो v फाइनल कितना गया √40, ये सिंपल। तो ये हो गया आपके पास कौन सा कर्व, ax कर्व से bx कर्व से जाने का।
समझ आया बेटू? तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आएगा तो आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मत अच्छी हुई तो हो सकता है इस बार आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप नेक्स्ट लेक्चर में 1D मोशन रिलेटेड टर्म से कैसे हल की जाती है। तो चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के बहुत टाइप के क्वेश्चन ले चुका हूं आपको, 6 इलस्ट्रेशन में आप बहुत कुछ कवर कर चुके हो बेटू। तो बोलो AX दे देता हूँ, चलो AX दे दिया, AX ठीक है, और ग्राफ आपको ही दे दिया, यहाँ दे दिया 10 मीटर, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0 मीटर पे और 10 मीटर पे एक्सप्रेशन 0। आपसे बोला गया है एक्स बराबर 3 मीटर पर वस्तु का वेग ज्ञात करो, तो एक्स बराबर 3 मीटर पर वस्तु का वेग ज्ञात करो। तो एएक्स से बीएक्स पे जाना है, तो एएक्स से बीएक्स पे जाना है, तो फिर वही अपने वही कहानी, तो एएक्स से बीएक्स पे जाने के लिए तो एरिया अंडर द एएक्स कर्व का सूत्र आप जानते हो, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो 3 मीटर पे, तो 3 मीटर का होगा यहाँ पे 3 मीटर होगा, तो ये 3 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, तो ये कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या निकालो, बायसिमेट्रिक निकाल लो। तो बायसिमेट्रिक कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, भाई दो त्रिभुज आ जाएंगे, ये दूरी कितनी होगी 10 मीटर, ठीक है, और एक आपके पास ये हो गया, ये तो ये दूरी कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो अब अपन को क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये यहां से ही आ रही, ये वैल्यू हो गई 2, ये वैल्यू 2 दिखा के ना, ये 2, ये 10, ये 3। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये इतना सा, ठीक है, ये मान जाएगा बदल जाएगा, कैसे निकालेंगे बोलो, ये एंगल थीटा निकाल लो, तो टेन थीटा बराबर कितना जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 2, आधार कितना है 10, 1/5। ठीक है, अब इसका टेन थीटा निकालना है मुझे, तो थीटा तो सेम जाएगा, ढाल तो सेम है, तो कितना जाएगा, एक्स बटे 3 लंब बटे आधार बराबर कितना जाएगा, 1/5 के, तो यहां से एक्स बराबर कितना जाएगा, 3/5। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? तो ये 3/5 हो गया, लेकिन तो मैं 3/5, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया कितना जाएगा, 1/2 आधार, आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 3/5, 9/10, 9/10 क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब 0 से लेके तो एक्स बराबर 3 मीटर पूछे ना, तो एरिया 9/10 लिखो गया, तो क्या लिखोगे, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू एरिया 9/10, तो ये जाएगा वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/5। कोई दिक्कत है क्या बेटू, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा था, वस्तु का वेग प्रारंभ में कितना है, तो 0 मानो आप, तो v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया 3 मीटर पे और ये 0 पे 9/5, और आप इसको करोगे तो 3/5। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो चलो अब मैं इसी में आपको फेरबदल करके दूं बेटू, मैंने क्या कर दिया, इस a की जगह तो v लिख दिया और यहां लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर हो गया, x हो गया, एक्स बराबर 3 मीटर पर वस्तु का त्वरण ज्ञात करो। अब ये तो उल्टा दे दिया, वस्तु का त्वरण ज्ञात करो, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, अब लो और घुमा के, अब इसमें क्या है, घूमते चले जाओ जीवन का। एक्स बराबर 3 में वस्तु का त्वरण निकालना है, तो कैसे करोगे बेटू, ए दे दिया, वी एक्स कर दे दिया, यानी आपको क्या दिया है, वी एक्स कर दे दिया, और जाना कहा है, ए एक्स पे जाना है,
वीएक्स से एक्स पे आना है। कैसे क्या करते हो आप वीएक्स से एक्स पे आना है, तो v इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। अब a अपन जानते हैं v dv by dx होता है, a अपन क्या जानते हैं v dv by dx, ये अपन जानते हैं, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? a बराबर v dv by dx अपन जानते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे बोलो, dv by dx जो होगा, अब इसमें एक क्वेश्चन एक टाइप क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, एक टाइप से तो बच्चों आप क्या करोगे, ये फंक्शन बना लो, ये लाइन बना लो, लाइन का समीकरण, तो देखो लाइन का समीकरण कैसे बनाओगे, v लिखोगे बराबर ढाल कितनी है इसकी, ये कितना है पांच और ये कितना है दस, पांच बटे दस यानी एक बटे दो और माइनस के, तो माइनस के एक बटे दो एक्स ले जाएगा, फिर कहां पे कट कर रहा है ये पांच पे तो प्लस के पांच, तो ये हो गया फंक्शन, तो ये क्या हो गया एफ एक्स, वी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स यानी ये हो गया फंक्शन एफ एक्स हो गया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है a, a निकालना है, a इज द फंक्शन ऑफ x, तो बच्चों मैं क्या करूंगा देखो कहां पे निकालना है x बराबर तीन मीटर पे, तो पहली बात तो v बराबर कितना आया मेरे पास, कैसे निकाला मैंने, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो ये फंक्शन कैसे लिखा था, y बराबर x प्लस c के रूप में लिखा, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या, y की जगह क्या है v, x की जगह क्या है x, ढाल कितनी है एक बटे दो इधर की तरफ आ रही है, तो अपन को ढाल में से धनात्मक दिशा लेनी है, तो माइनस एक बटे दो, सी सी क्या होता है कि ये लाइन y एक्स को कहां काट रही है, तो कहां काट रही है पांच पे, तो पांच आ गया, ठीक है। अब मुझे v निकालना है किस पे, x बराबर तीन मीटर पे, पहले तो x बराबर तीन मीटर पे v निकाल लो, तो माइनस के तीन बटे दो प्लस पांच, पांच दस में से तीन तो सात बटे दो, तो कितना आ गया साढ़े तीन, तो सात बटे दो आ गया तीन मीटर पे वे। अब ये वे का है तीन मीटर पे वे, पूछा क्या आपने से तीन मीटर पे त्वरण, तो त्वरण पूछने के लिए आओ अपन क्या करेंगे डी वाई डी एक्स में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बराबर एक्स बराबर तीन पे निकालना है मुझे, तो वी कितना है तीन मीटर, तो वी तीन मीटर से कितना है सात बटे दो। अब मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इसका समाधान अवकलन करूंगा, तो इसका x के साथ अवकलन करोगे कितना जाएगा माइनस के एक बटे दो, यही आएगा इसका अवकलन, तो इसका अवकलन कितना जाएगा माइनस के एक बटे दो, तो कितना आएगा माइनस के सात बटे चार, तो एक्सप्रेशन कितना आया माइनस के सात बटे चार, समझ में आया बेटू, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब अपन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में मोशन, 1D मोशन का रिलेटिव टर्म से या रिलेटिव मोशन से कैसे अपन हल करते हैं। ओके बेटू हैव अ गुड डे, बाय।